और मैं अनसेंड मारना भूल गई। एक तरीके से ये मेरी फैन थी उस टाइम पे। फैन ली पहुंचा कुछ टाइम बाद, एक दो दिन के बाद इसका मैसेज आ गया था, दो दिन के बाद आ गया था। मेरे लिए मोमोज लाया था, बट मैंने मोमोज खाए थे शर्म के मारे, शर्म आ रही थी, मैंने इसको बोला नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लग रही। फिर मैंने इसको दिया रोज, फिर मैंने अपने प्यार से हाथों से निकाल के दिया रोज। बंदे ने ऐसे पीछे से ऐसे रोज निकाल के दिया, है एक सेकंड रुक जा, ऐसे किया पीछे से डाला, दिस इज फॉर यू, ऐसे ही बोला था। और फिर बाद में लड़की बोलती, मुझे पहली बार वो रोज मिला था, काफी अच्छा था हमारा प्रपोजिंग का सीन। तो ऐसे हम दोनों ने एक दूसरे को ये कर रही है वो कर रही है, तो मेरे घर वाले को इतना फर्क नहीं पड़ा था, मेरे घर वाले ने कुछ बोला नहीं था, बस ये बोला था कि हाँ तुम लोग अपना पक्का करो, उसके बाद हम जवाब देने के लिए बने कि हाँ हमारे की बातें कैसे हुई, आप दोनों की लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, तो ये मैं बताऊंगी। चलो ये बताएगी सबसे पहले। तो गाइस टाइम और डेट थी। सो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग इंटरेस्टिंग वाला व्लॉग होने बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम अपने लव स्टोरी के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं, हम लोग कैसे मिले, कैसे प्यार हुआ एक दूसरे को, कैसे बातें हुई, किसने किसको मैसेज किया, किसको किसने किसको 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 प्रपोज किया, किसने किसको पहले इम्प्रेस किया, फिर हम लोग पहली बार कहाँ पे मिले, कैसे मिले, क्या हुआ, किसने ज्यादा वेटिंग करी और किसने ज्यादा मैसेज किया, किसने ज्यादा बातें करी। तो भाई सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा, थैंक यू फॉर लविंग आर वीडियोस, आर डेली व्लॉग्स एंड बहुत सारा प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच। प्यार बनाए रखना, ऐसे ही प्यार बनाए रखो, एंड सबसे पहले जाओ लाइक कर दो, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लो, एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दो। चलो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा हुआ है हम लोगों से कि आप दोनों को सबसे पहले मैसेज किसने किया, फिर आप दोनों की बातें कैसे हुई, आप दोनों की लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, तो ये मैं बताऊंगी। चलो ये बताएगी सबसे पहले। तो गाइस टाइम और डेट थी 10 जुलाई रात के बज रहे थे 1 या 2 लगा लो 11 एक बजे फोन आ गया किसी का, कोई नहीं एक सेकंड बता रहा भाई, बस 10 मिनट रुक जा। अब मत आप जा रहे हैं कहां, साले फिर ऐसे खेल रहे आएंगे तो। चल ठीक है, मैं तो व्लॉग ही कर रहा था। चल ठीक है, ओके ठीक है। तो हम लोग भाई कहाँ पर थे, हाँ 11 जुलाई, मतलब 10 जुलाई थी, तो उसी रात को मैंने मैसेज किया था 10 जुलाई को। तो हाँ रात को मेरे पास मैं ऐसी मैसेज करके, और मुझे ऐसे पता चला कि हाँ इनका कुछ ब्रेकअप हुआ है, तो मैंने ऐसी गलती से मैसेज कर दिया, मेरा दोस्त और मैं ना सबकी रील देखते रहते थे, तो मैंने कर दिया, और मैं अनसेंड मारना भूल गई। एक तरीके से ये मेरी फैन थी उस टाइम पे। फैन नहीं थी मैं, बिल्कुल फैन नहीं थी, बस वो मेरी फीड में वीडियोस आती रहती थी, तो उसको फैन ही बोलते हैं। फैन नहीं थी मैं, तो फिर देखती क्यों थी वीडियो मेरी, वो खुद आ रही थी, खुद आ रही थी तो रोक के खुद देखा, देख लिया भाई, तो आईडी में कैसे घुसी, क्योंकि तुम्हें पता है वो जो दोस्त है मेरा वो तुम्हारी दोस्त का दोस्त था। ओके, दैट्स व्हाई। मैं कोई फैन वैन नहीं थी। तो फिर तूने मैसेज किया? मैंने मैसेज किया मजे लेने के लिए, मैं उस टाइम पे ऐसे मैसेज करती रहती थी और अनसेंड मार देती थी। ओके। तो मैं अनसेंड मारना भूल गई, मैं रील्स देखने लग गई, रील्स देखते देखते मैं सो गई। सुबह सुबह देखा बंदे का रात को 3 बजे कुछ मैसेज आया होता है हाय का, मैंने सोचा जब मैसेज आ ही गया तो मैं बात कर लू, मैंने पूछा हाय हेलो कैसे हो सब कहाँ रहते हो, नॉर्मल बातें जो होती है ये सब बातें हुई। फिर बंदे का ब्रेकअप हो रखा था तो मैंने पूछा कोई नहीं सब ठीक होगा एक दिन ये हो, मैं सब चीजें बोल के चली गई। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत और बात हुई, नंबर एक्सचेंज वगैरह वीडियो से रिलेटेड ही बात हुई थी कि हम लोग वीडियो बनाते हैं साथ में। सबसे पहले तो मैंने इसे पूछा क्योंकि उस टाइम पे मैं गांव से वापस आ गया था, ब्रेकअप के बाद मैं अपने गाँव चला गया था, उस टाइम पे थोड़ा डिप्रेस वगैरह चल रहा था, तो दैट्स व्हाई फिर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लग गया। फिर कुछ सोचा, फिर मैंने सोचा चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं, अभी कुछ टाइम खत्म नहीं हुआ है। तो मैं जैसे ही दिल्ली पहुंचा कुछ टाइम बाद, एक दो दिन के बाद इसका मैसेज आ गया था, दो दिन के बाद आ गया था। तो फिर हमारी बातें होने लगी, फिर मैंने बोला कि चलो साथ में काम करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, एक्सचेंज वगैरह किए, फिर हमारी बात हुई कॉल पे। फिर वीडियोस की तो ज्यादा बात नहीं हुई, बट एक ऐसे मिलने की बात हुई कि मेरा बर्थडे था 14 तारीख को, तो इसने बोला कि 13 तारीख को हम कहाँ जाएंगे, मोमोज डेट पे जाएंगे। तो ठीक है मेरी फिर ऐसे बात। तो हुआ क्या कि फिर 13 तारीख रात को हमारी बॉयज ट्रिप की, बॉयज ट्रिप उस टाइम हम लोग सारे लड़के एक साथ रहते थे, फिर हम लोग बॉयज ट्रिप में निकल गए। जो बॉयज ट्रिप समझ रहे हो बॉयज ट्रिप नहीं था वो, गर्ल्स ट्रिप भी था, बॉयज ट्रिप ही था। फिर उसके बाद 14 तारीख को मेरा लग जाता है बर्थडे, 14 जुलाई को। तुमने किसी की स्टोरी देखी थी ना? नहीं, स्टोरी देखते मुझे विश किया था रात को, जब याद करते मुझे कौन ऐड था उस टाइम पे, कोई ऐड नहीं था मेरे साथ, वो एस से नाम है, SUN
किसी की स्टोरी देखी थी मैंने उस टाइम पे, तो मैंने इसको कॉल करके बोला रात को 3 बजे यार बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, थोड़ा लेट हो गया मैं कॉल करने पर, नहीं मतलब थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा लेट हो गया मैंने तो तुम्हें 12 बजे कॉल करता है ये वो बोल के इम्प्रेस करने लग गया, जैसे होता है इतना इतना से कहते हैं ना कि फ्लर्टिंग करना वो सब किया, फ्लर्ट करने स्टार्ट कर दिया, यू नो गाइस मैं बहुत पहले थोड़ा स्टड बॉय था। फिर नेक्स्ट डे मैंने कुछ स्टोरी डाली हुई थी अपने नेल्स की, तो बंदे का मैसेज आता हो तेरे नेल्स, मेरे पास अभी भी मैंने ऐसी चैट रख रखी है, तो मैंने बोला हाँ अच्छे नहीं लगे क्या हटा दूं स्टोरी। तो उस टाइम पे बहुत स्टोरी लगा दी थी व्हाट्सएप पे, लगाई थी मैंने। फिर उसके बाद ना हमारी व्हाट्सएप से बात होनी स्टार्ट होने लग गई, तुम कहीं जा रहे थे ना चंडीगढ़ वगैरह, नहीं तुम कहीं से आ रहे थे वापस आ रहा था, चलो ये सब तो भाई नॉर्मल बातें होती है। फिर उसके बाद मेन मुद्दा यहाँ पे आता है कि प्रपोज किसने किया गाइस, 19 जुलाई की बात है, 14 जुलाई को बात हुई, प्रपोज किया, मुझे लगा शायद फ्लर्टिंग कर रहे हैं क्योंकि मैंने शुरू में पूछा तुम फ्लर्टिंग करना कहता भाई, मैंने एक चीज क्लियर कर दिया था क्योंकि मेरे को पास्ट में बहुत तैयार धोखाधड़ी मिला हुआ था इस चक्कर में, वही मतलब हमारा रिलेशन अच्छा नहीं था पास्ट में बहुत सारा, तो मैंने सीधे क्लियर से पूछा था कि भाई आई वॉन्ट अ सीरियस रिलेशनशिप जिसके साथ मैं अपना फ्यूचर देखना चाहता हूँ, तो फिर इसने बोला हाँ मुझे भी सीरियस रिलेशन चाहिए जिसके साथ मेरे को फ्यूचर देखना है, फिर हमारी थोड़ी बहुत बातें मैच होने लग गई, फिर मैंने इसको, तो सबसे पहले मैंने ही इसको प्रपोज किया था, उस शायद इसको लग रहा होगा मजे मजे में बोला है, बट नहीं सीरियस नहीं दिया मैंने, मैं सीरियस था। फिर हम लोग मिले, कब मिले थे हम, मिले थे मैं बता चुका हूँ, मिलने वाली चीज तो बहुत इंटरेस्टिंग है, उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि एक सेकंड, उस दिन ऐसा लग रहा था कि पूरा एकदम जहान एकदम वहाँ पे इतना रोमांटिक चीजें होने लग गई ना, पूछो छोड़ो मैं आपको बताती हूँ, 24 जुलाई की बात है, बंदे ने मुझे बोला कि मैं 3 बजे शाम को मिलूंगा, ठीक है, उस टाइम पे मैं फोन कर रही हूँ तो बंदे का सुबह से फोन स्विच ऑफ जा रहा है, स्विच ऑफ लेट उठा था स्विच ऑफ, मैं रेडी वेडी हुई थी, उसके बाद मैं अपने कपड़े वगैरह चेंज करके अपना दोबारा सो गई, बज रहे थे 4:30, उसके बाद बंदे का फोन आता, हाँ मैंने मेरा फोन स्विच ऑफ था और मैं सो गया था, मैं ठीक है मैं सो के उठा था लेट, तो मैं पहुंची मेट्रो स्टेशन, हम लोग मिले थे सबसे पहले तिलक नगर मेट्रो स्टेशन मैकडोनल्ड्स के पास, सुनो गाइस तिलक नगर मेट्रो स्टेशन पे भी खड़े खड़े मुझे आधा घंटा वेट कराया इसने, आधा घंटा, बारिश हो रही थी उस टाइम पे, बारिश होने वाली ही थी, हो गई थी बूंद बूंद हो रही थी, थोड़ी थोड़ी हुई थी बारिश, तो जैसे ही मैं वहाँ पे एकदम एंट्री नहीं होती एकदम ला 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 ला, और मेरा ऐसा बूंदे, मैं अपने थार में एकदम इसके पास गया, एकदम गाड़ी रोकी, हॉर्न मारा पापा, फिर ये दूर से ही क्या था भाई, मैं तो देख के शॉक्ड हो गया था कि तू सच में सुंदर, एकदम इतना सुंदर लड़की, मतलब मजा आ गया उस टाइम पे, हाँ मैं सच में सुंदर लग रही थी, फिर नहीं फिर इसको गाड़ी में बिठाया, नहीं नहीं आधा घंटा पूरा वेट कराया, अभी मैं जाम में हूँ, दूसरा फोन अभी मैं जाम में हूँ, तीसरा अभी मैं जाम में हूँ, बस ऐसी मैं तिलक नगर मेट्रो स्टेशन पे खड़ी की खड़ी रह गई, तो जैसे ही मेरी एंट्री हुई वहाँ पे बारिश की बूंदे गिरने लगी, मैं इसके लिए रोज ले रहा था इसलिए मैंने उसको उस टाइम पे मना कर दिया था कि मैं लेट हो रहा हूँ, बट मैं उस टाइम पे रोज ले रहा था इसके लिए, फिर चॉकलेट भी ले रहा था, तो फिर गाड़ी जैसे ही वहाँ पे खड़ी करी, हॉर्न मारी, उतने में लड़की यूं बाल यूं कर रही है, यूं करके आ रही है, मैं अपने आप को देख रही है, हाँ तो तेरे बाल तो उड़ रहे थे, उड़ते रहते हैं वो तो, जैसे ही गाड़ी में बैठी मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि वाओ परफ्यूम तो अच्छी लगा रखी है। इसको परफ्यूम का भी बहुत शौक है। हाँ फिर थोड़ी देर हम लोग उधर गए, कौन सी जगह है वो जहाँ पे, हम कहीं गए नहीं, वही रोड पे, एक चीज बताती हूँ, हम सड़कों पे घूम रहे थे, गाड़ी में गाने चला के मस्त, फिर ये बंदा मेरे लिए लेने गया था मोमोज, और क्या लेकर आया था अपने लिए, कुछ कुछ खाया था, रोल लेकर आया ले था, वो वाला शोरमा वाला, शोरमा रोल, और मेरे लिए मोमोज लाया था, बट मैंने मोमोज खाए नहीं थे शर्म के मारे, शर्म आ रही थी, मैंने इसको बोला नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लग रही, फिर मैंने इसको दिया रोज, फिर मैंने अपने प्यार से हाथों से निकाल के दिया रोज, बंदे ने ऐसे पीछे से ऐसे रोज निकाल के दिया, एक सेकंड रुक जा, ऐसे किया पीछे से डाला, दिस इज फॉर यू, ऐसे ही बोला था, और फिर बाद में लड़की बोलती, मुझे पहली बार वो रोज मिला था, काफी अच्छा था हमारा प्रपोजिंग का सीन, तो ऐसे हम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया था, नहीं एक चीज बताती हूँ, ये तो ठीक है हमारा बातें चल निकल गई, जब ये बंदा कहीं से आ रहा था तो ये चैट नहीं करता था, इसके दोस्त चैट करते थे, ओ हेलो मैं गाड़ी जब ड्राइव कर रहा हूँ मैं चैट कैसे करूंगा यार उस टाइम पे तेरे साथ, उस टाइम पे तो दोस्त ही चैट कर रहे थे ना, तो बातें तो मैं बता रहा हूँ ना,
गाड़ी में ऐसे बात, हाँ इसको ये लिख, इसको वो लिख, बंदा गाड़ी चला भाई रहा है। मैं बातें नहीं, नहीं इसके दोस्तों ने भी बातें किया, दो दोस्त है। अरे दोस्तों की बात नहीं है भाई, मैं खुद ही बातें बताता था उनको, तभी वो बात करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी लव स्टोरी चालू हो चुकी थी, मानी यहाँ से चालू हुई। फिर हमें एक महीना हुआ, एक महीना हुआ, फिर हमने उसके एनिवर्सरी मनाई, एनिवर्सरी तो नहीं मनाई। फिर मेन बात आप आती है, हमें डेट करते करते 6 मंथ हो गए थे, फिर साथ में वीडियोस भी आने लग गई थी, आप लोगों ने वीडियोस बनाई थी। हाँ, पहले कम प्यार मिल रहा था, बट फिर आगे जाके वो प्यार बढ़ता गया, बहुत सारी चीजें होने लग गई। फिर आया मेन पॉइंट यहाँ पे, फैमिली वाले करने लग गए कि भाई तुम्हें इतना टाइम हो गया, तुम लोग साथ में कर क्या रहे हो, डेट तो नहीं कर रहे एक दूसरे को। फिर उसके बाद मेरे घर पे थोड़ा इशू हुआ था वीडियोस का। हाँ, एक इसके घर में इशू हुआ था, बता। मेरे घर में इशू हुआ था कि मैं कपल वीडियो, गाइस क्लोज वीडियोस के ऊपर बहुत ज्यादा क्लोज, क्योंकि मैं उसी टाइम पे फिर घर वालों को मिलाना पड़ गया था हमें। बता। वहाँ से वो हमारे घर वाला वो स्टार्ट हुआ था, तो मेरे घर में ऐसे थोड़ा इशू स्टार्ट हुआ था वीडियोस को लेकर, मैं क्लोज वीडियोस बना रही हूं, क्लोज वीडियोस बना रही हूं, क्योंकि मैं, मेरे पापा जो है हरियाणा से, हम लोग गाँव से है, तो मेरे पापा भी, इनके पापा भी, बट जो होता है ना कि हमारे जो रिश्तेदार होते हैं कुछ ऐसे आग लगाने वाले, आग लगाने वाले कर करके, तो ऐसा सीन हो गया था कुछ की किसी लड़के के साथ वीडियोस बना रही है, कर रही है, वो कर रही है। तो मेरे घर वाले को इतना फर्क नहीं पड़ा था, मेरे घर वाले ने कुछ बोला नहीं था, बस ये बोला था कि हाँ तुम लोग अपना पक्का कर लो, उसके बाद हम जवाब देने के लिए बने कि हाँ हमारे बच्चों का ऐसे ऐसे सीन हो रखा है। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि मम्मी, मैंने अपने मम्मी को बोला कि ऐसे ऐसी बात है, फिर इसके मम्मी से बात करी, फिर मोम डैड सबको लेके आ गए, घर वाले जो भी थे रिलेटिव, सब इसके घर चले गए, और मम्मी डैडी से भी बात कर लिया हम लोगों ने एक तरीके से। वहाँ पे हमारा ये हो गया, ये फैमिली फिक्स वाला, फैमिली फिक्स सिस्टम हो गया सब। उसके बाद हम लोग अच्छे से वीडियोस बना रहे हैं, फैमिली वाला कोई टेंशन नहीं है, रिश्तेदारों को भी कोई टेंशन नहीं है, अब हम अच्छे से काम कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस दे रहे हैं, बस और क्या चाहिए। यहाँ पे हमारा हो जाता है सक्सेसफुल रिलेशनशिप, ऐसा नहीं है, हमारे में बहुत प्यार भी है, बहुत लड़ाइयां भी होती है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे प्यार करते हैं, ऐसी लड़ाई नहीं होती कि हम अलग ही हो जाए, अलग हो जाए, हमारी एक दिन की लड़ाई होती है, फिर खत्म, अगले दिन या तो एक या दो दिन बस, इससे ज्यादा लड़ाई नहीं होती हमारी, ज्यादा बस मैं चाहती हूँ कि लड़ाई हो, बट होती नहीं करना भाई, लड़ाई नहीं करना, लड़ाई से कुछ नहीं होता, सब कुछ लड़ाई। तो ये हमारा था, ऐसा था सीन, और अभी हम लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, अभी चल के अभी ड्रीम्स को पूरा करना है, पूरा करना है, फिर उसके बाद शादी भी करनी है, शादी भी होगी। कई लोग हमसे मैसेज में ये भी पूछते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कितना टाइम, शादियों का भी बहुत टाइम है, शादी का मतलब मुश्किल से 3 साल मान लो, 2-3 साल तो, 2-3 साल हाँ मान लो। वैसे भी हमने अपने घर वालों को मनाया है 2-3 साल के लिए, रोका है, क्योंकि मेरे घर वाले तो बोल रहे हैं अभी शादी कर ले, क्योंकि मम्मी चाहती है कि हमारी शादी हो जाए, फिर ईशा इधर ही आके रहने लग जाए, क्योंकि मैं इधर से अपने उधर, वैसे मैं ऐसे ही रहती हूँ, 3 दिन यहाँ रहती हूँ, 3 दिन वहाँ रहती हूँ, वीकेंड मनाती हूँ इधर से उधर, मैं अपने घर में टिकती ही नहीं, काम ही ऐसा है गाइस। और हाँ, अब मोस्ट कॉमन क्वेश्चन गाइस, ये जो घर है ये रेंट पे है या फिर हमने खरीद रखा है, ये बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ये जो घर है अभी हम लोगों ने खरीद रखा है, वो भी परमानेंट टाइप का नहीं है, मतलब इसमें हमारा वो जाता है, ईएमआई जाती है इस घर की, मतलब रेंट की तरह जाती है, लोन हो रखा है इस घर, लोन हो रखा है, लोन रेंट पे नहीं है, बट ठीक है, रेंट पे नहीं है। और आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एक और भी है कि आर यू गाइज मैरिड और आर यू गाइज कमिटेड, हम लोग कमिटेड है, कमिटेड है, सून बी मैरिड, जल्दी हम लोग शादी भी कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन ये है कि आप लोग दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो या फिर ऐसा हम लोग, वैसे सबको लगता है कि हम लिविंग में रहते हैं, बट एक किस्म का लिविंग ही है ये, या तो ये मेरे घर होता है या मैं इसके घर होती हूँ, हम एक दूसरे के घर ही होते हैं ऐसे ज्यादातर। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि हम दोनों के पेरेंट्स के बारे में पता है कि नहीं है हमारे बारे में, तो पता है, जैसे कि अभी बताया था आपको, सबको ही पता है। और फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि गाइस, क्या था फिफ्थ क्वेश्चन, याद नहीं आ रहा यार, बहुत क्वेश्चंस थे जो हमने, हम रैंडमली वीडियो बना रहे हैं आज। हाँ, तो फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि क्या था यार, भूल गया मैं। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि भाई थार आपकी ही खुद की है या किसी और की है, क्योंकि मैं पहले थार चलाता नहीं था, दूसरी गाड़ी चलाता था। हाँ,
कार जो है गाइस वो मेरी खुद की गाड़ी है और मेरे पास 2 कार्स हैं, उसमें से एक मैंने मॉम को दे दी। अब हमारे पास बस थार है और मेरे पास एक बाइक भी है, हमारे पास एक डॉग भी है। हाँ, हमारे पास एक डॉग भी है। किसका है? और एक थर्ड क्वेश्चन ये है कि हमारे जो मेन अकाउंट में, और थर्ड बोल रहा हूँ, सिक्स्थ क्वेश्चन ये है, हमारे जो मेन अकाउंट है उसमें ना एक लड़की दिखती है, उनकी भी लोगों को कंफ्यूजन है कि वो है कौन। तो मैं बता दूं गाइस, वो स्वाति है, मेरी सिस्टर, इसकी सिस्टर है। और इसकी नंद, मेरी नानी, ननंद बनने वाली, ननंद, ननंद। तो गाइस अगर आप लोगों को अभी इस वीडियो में कम मजा आया है तो अभी आप लोग इस वीडियो के नीचे जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो। इतने क्वेश्चन पूछो, इतने क्वेश्चन। हर संडे एक Q&A वीडियो डालेंगे अपने व्लॉग चैनल पे। तो आज संडे ही है बट ये मंडे को डलेगा, कल डलेगा, कल ही डलेगा, हाँ कल ही डलेगा गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग लाइक करो। इतना ही, मैं क्वेश्चन पूछूं तो मेरे लिए कितना लॉयल हो? मैं, हाँ मैं तेरे लिए बहुत सारा लॉयल हूँ यार, बहुत ज्यादा ही। बहुत सारा लॉयल? मैं किसी लड़की से बात नहीं करता, मैं किसी के पास जाता नहीं हूँ, डेट पे नहीं जाता, मैं किसी क्लबिंग नहीं करता तेरे अलावा, कहीं घूमने नहीं जाता, जहाँ जाता हूँ सब कुछ बताता हूँ, और क्या चाहिए। मैं 110% लॉयल हूँ तेरे साथ, 200 एकदम इन्फिनिटी लॉयल। लॉयल तू कितने लॉयल है भाई? वो जो तुम्हें पता होगा। तू पता? मैं बहुत लॉयल हूँ, बहुत ज्यादा। हम दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल है भाई, बस। बट मैं ज्यादा हूँ। लॉयल्टी का मतलब होता है ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है यकीन। एक रिलेशनशिप में बस कोई बंदा चाहेगा तो लॉयल्टी ही चाहेगा। बाकी सब कुछ हम मिलके कर लेंगे। बाकी आज के ब्लॉग पे बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट Q&A के साथ। आप लोग इसमें क्वेश्चन तो प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछो ना, हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना ले, पास्ट लाइफ हो चाहे 10 लाइफ हो। हाँ, पास्ट लाइफ के बारे में पूछ लो, इसके पास्ट के बारे में, मेरे पास्ट के बारे में पूछो, बट इसके पास्ट के बारे में मत पूछना, मेरे पास्ट के बारे में मैं बता दूंगा आपको। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लव यू गाइस।